हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का स्मार्ट केशव ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष अग्रवाल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा 14 अप्रैल 2020 के बाद ट्रेन सेवा शुरू होगी या नहीं होगी। दोस्तों, आपको दो कंडीशन के बारे में बताऊंगा और दोनों कंडीशन को समझाऊंगा कि ये ट्रेन चलेगी या नहीं चलेगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे काफी तमाम न्यूज आ रही है कि 14 अप्रैल के बाद कोई भी लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा, ना कोई इमरजेंसी लगाई जाएगी, पर दोस्तों ये वायरस पर डिपेंड करता है। अगर ये वायरस का खतरा कम हो जाता है तो लॉकडाउन खुल जाता है और खुलने के बाद ट्रेन भी शुरू हो जाएगी। पर अगर ये लॉकडाउन नहीं खुल पाता है और आगे बढ़ा दिया जाता है तो ट्रेन चलना संभव नहीं है। ये सब डिपेंड है दोस्तों वायरस पर। हम यही कामना करते हैं कि वायरस जल्दी से जल्दी खत्म हो, जिससे 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन ओपन हो जाएगा और ट्रेन भी चलना शुरू हो जाएगी। सेकेंड दोस्तों स्थिति है कि 14 अप्रैल के बाद मान लीजिए लॉकडाउन ओपन भी हो जाता है तो ट्रेन चलना क्या शुरू हो जाएगी। मान लीजिए 14 अप्रैल का लॉकडाउन मतलब खत्म हो गया और 15 अप्रैल से वैसे नॉर्मल तरीके से जो नॉर्मल जीवन जी रहे थे वैसा शुरू हो भी जाता है तो भी दोस्तों 15 अप्रैल से ट्रेन चलना संभव नहीं है, क्योंकि इतनी सारी जो ट्रेनें खड़ी है रेलवे को बहुत बड़ा एक चुनौती है इनको एक साथ चलाना। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि एक साथ ये ट्रेन नहीं चल सकती, कुछ ना कुछ इनमें दिक्कत आएगी, क्योंकि सारी ट्रेन 21 दिनों से बंद है। अब एक साथ सारी ट्रेनों को चलाना बहुत ही बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो रेलवे का यही फैसला होगा 14 अप्रैल के बाद अगर लॉकडाउन ओपन भी हो जाता है, खुल भी जाता है, तो दोस्तों धीरे धीरे ट्रेनों को चलाया जाएगा। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि 15 अप्रैल से सारी ट्रेन चल जाएगी। अगर 14 अप्रैल को लॉकडाउन खुलता है तो 20-22 अप्रैल तक सारी ट्रेन सुविधा के अनुसार चल सकती है, पर 15 अप्रैल को एक साथ सारी ट्रेन चले ये थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस यही बात मुझे आपको बतानी थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल स्मार्ट केशव ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।